हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लाइमेट जो है वो बहुत ही अच्छा था, तो हमने प्लान किया था कि आज हम बारबेक्यू के लिए जाएंगे। और वैसे भी हमारे एक खास फ्रेंड है जो यहाँ यूएई से शिफ्ट हो रहे हैं दुबई में, तो हमने सोचा कि चलो उनके साथ प्लान करते हैं बाहर बारबेक्यू के लिए। तो यहाँ सारा सामान जो है वो मैंने मंगा लिया है, जो मुझे मैरिनेट वगैरह करना था और चटनी और सैलेड के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो मैंने मंगा लिया है। तो पहले इन सारी चीज़ों को मैं वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैरिनेट करूँगी, और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ बारबेक्यू के लिए। तो यहाँ पर मैं तीन जो है वो डिफरेंट टाइप का जो है वो चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले चिकन मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने तीन जो है वो बॉक्सेस ले लिए, जो मुझे डायरेक्ट लेकर जाने। मैं डिफरेंट ऐसा नहीं कि बर्तन में मैरिनेट करूँगी और फिर इसमें शिफ्ट करूँगी। तो नॉर्मली जो है वो मैरिनेशन में दही तो जाती ही है, तो सबसे पहले मैंने दही ले ली है। पहले मैं वो चीज़ें ऐड करूँगी जो कॉमनली हर मैरिनेशन में जाती हैं। तो यहाँ पर दही ऐड करने के बाद बाकी की चीज़ें मैं ऐड करूँगी, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वो भी सभी चीज़ों में जाता है। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं तीनों में ऐड कर लूँगी। बाकी अगर आपको डिटेल रेसिपीज़ अगर चाहिए इसकी, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है वो मैंने अपलोड करके रखी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपके साथ रफली शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है वो मैरिनेशन करके अपना बारबेक्यू जो है वो प्लान किया है। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से मैरिनेशन करती हूँ, और मैरिनेशन करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर जो है वो चिकन मैरिनेट करके जो है वो हो चुका है, तो अब मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दही ऐड कर रही हूँ प्रॉन्स के मैरिनेशन के लिए। इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन। चिकन में मैंने जो है वो विनेगर यूज़ किया था, इसमें जो है वो मैं लेमन यूज़ करती हूँ। प्रॉन्स में या फिश वगैरह अगर मैं मैरिनेट करती हूँ तो मैं उसमें हमेशा लेमन ही यूज़ करती हूँ। तो इसकी रेसिपी एक्चुअली मैंने अपलोड नहीं की हुई है, इसके लिए मैं इसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ में शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सारे पाउडर मसाले जो हैं हम वो ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, और अम्मी जो है वो हमारी बनाती है रगड़े का मसाला, तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ में उसकी रेसिपी जो है वो अम्मी से पूछ के शेयर कर दूँगी। वो ही मुझे मसाला बनाकर देती हैं, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया था उससे। तो आप जो वो इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी चाहिए मसाले की तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी आपसे। तो बस यहाँ पर सारे जो वो पाउडर मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम प्रॉन्स इसमें ऐड करेंगे, और मैरिनेट करके इसको हम रख देंगे फ्रिज में। मेरा सारा सामान जो है वो अब यहाँ पर रेडी है, मैरिनेशन वगैरह करके मैंने इसी बैग में रख लिया है। साथ में मैंने कुछ टिश्यूज़ वगैरह रखे हैं, बर्तन हैं, जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बारबेक्यू के लिए वो मैंने रख ली है। बच्चे भी रेडी हैं। फाइनली हम आ गए थे यहाँ पर, हमारा जो है वो बारबेक्यू की तैयारी चल रही है। सामान हमने निकाल के रख लिया था, ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पर शूट नहीं किया था क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं जो वो इन्जॉय करने के लिए आए हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि लाइक मेरा टाइम जो है वो इसमें जाए, और सारे लोग जो है वो कम्फर्टेबल होते भी नहीं है कैमरा पर, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। बस यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा विंडी था, बट इसके लिए बच्चों को जो है वो जैकेट वगैरह पहना कर मैं लेकर आई थी। इसी के साथ बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में।